नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक न्यूज। हम हैं सिवलू। आज आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, खिड़किया बाजार में हूं और खिड़किया बाजार में एक ऐसे सिंगर मिले हैं जो सिंगिंग करके अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसके साथ साथ ये बिजनेस भी करते हैं। ये दोनों काम कैसे कर पाते होंगे, ये सोचने वाली विषय है। तो इसके साथ मैं इनसे बात करूंगा और इनके बारे में अधिक जानकारी आप लोगों के बीच में दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये इन्होंने कब से सिंगिंग लाइन में इन्होंने अपना कदम रखा और बिजनेस में क्या करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते बड़ा, ये भी आपके चैनल से सुना था जाना था, सबके धन्यवाद दिल से। आपका सबसे पहले शुभ नाम क्या होगा, दर्शक जानना चाहेंगे? अर्पित राजा। अर्पित राजा, तो अर्पित राजा एक ऐसा नाम है जो चर्चित होने जा रहा है बहुत जल्द आप लोगों के बीच में। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप बिजनेस भी करते हैं, अपना काम धाम भी करते हैं, उसके अलावा कैसे सिंगिंग कर पाते हैं, इसका मैनेज टाइम कैसे कर पाते हैं आप? ये सब टाइम निकालना पड़ता है क्या, आखिर क्या मत... कीमती समय जो भी होता है क्या किया जाए, सब तो देखना है। ये आपका दुकान है, दुकान इतना व्यस्तता होता है, दुकान को जल्दी लोग छोड़ते नहीं है। दुकान को लोग बोलते हैं गाँव में कि भैया दुकान सेवे वाला धंधा हो, जो ना के खूब परिश्रम से सेक पड़ेला तब धंधा चालू होला। आपका धंधा तो चालू हो चुका है और पूरा चलता है। धंधा सब चलता है, लेकिन तो उसमें अगर टाइम आप छोड़ के जब दुकान को जाते होंगे तो करियर तो आपका दुकान वाला भी खराब हो रहा है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, कभी समय देना पड़ता है दोनों तरफ ना, क्या किया जाए। तो कैसे गाना गाते हैं, मतलब कौन सा, हिंदी गाना गाते हैं, भोजपुरी गाते हैं? भोजपुरी गाना गाते हैं। भोजपुरी गाना गाते हैं। कब से गाना गा रहे हैं आप? वही लगभग एक साल से, डेढ़ साल। एक साल डेढ़ साल से गा रहे हैं। अभी तक कितने गाने गा चुके हैं आप? वही लगभग 10-15 गाना हो गया। 10-15 गाना गाए हैं। कहाँ से गाते हैं? रोशन म्यूजिक धना। अच्छा, रोशन रिकॉर्डिंग स्टूडियो धना से गाते हैं। जैसे आप खिड़किया पे दुकान है और खिड़किया के ही रहने वाले जी? हैं आप खिड़किया के रहने वाले जी? तो यहाँ से मतलब बांसी और उधर जाने में आसानी होता है आपको धना में? नहीं, आसानी है, उधर ही आना जाना है। तो क्या सर, तो अभी 10-15 गाना गाए हैं, कौन सा ऐसा गाना रहा आपका जो अच्छा चला हो, लोगों का प्यार अच्छा मिला हो? है गाना, दो चार गाना है। तो कोई ऐसा गाना हो जो प्यार मिल रहा हो, लोगों का अच्छा लग रहा हो, लोग प्रेम उस पे दे रहे हो, तो उस गाने को थोड़ा सा दो लाइन गुनगुना दीजिए ताकि दर्शक भी उसको जाकर सर्च करें और सुने कि किस तरह से अर्पित राजा गाना गाते हैं। उछेला हर दम, उछेला हर दम, उछेला हर दम, मोर भतरा लफड़ा के घर भइल बा, कहेला ओ करे कोइल बा, गाना तो ये ऑर्केस्ट्रा साइड का है, गाना बहुत अच्छा चला होगा लगभग लगभग। और भी कोई सैड सॉन्ग में भी गाना गाते हैं कि केवल रंगदारी? रंगदारी वगैरह सब गाना। अच्छा, तो ये सब गाइए, रंगदारी आजकल ट्रेंड चल रहा है। जवन राइफल चमकावत तोराई सारा पा, जवन राइफल चमकावत तोराई सारा पा, ऐ निसादे जी से ले जाला ही तबा भाड़ा पा। देखिए, मतलब रंगदारी में गाना गाए हैं, वो आप लोगों को पसंद आया, तो रील इस पे बना है ना? बना है, रील बना है, बना है ना। तो अभी फिलहाल आप किसके फैन हैं, किसको चाहते हैं, किसके जैसा बनना चाहते हैं, कौन सा हीरो आपके दिल में छा गया है, दिमाग में छाया है? ऐसे तो सबको ही अच्छा ही गाना गाता है, सबको सबका ही गाना सुना जाता है। किसका सबसे ज्यादा फैन है आप कहते होंगे कि उसका जैसा गायकी बहुत ही दिल से अच्छा लगता है? नहीं, ऐसे तो बात नहीं, सबका गाना सुनते हैं, सबका अच्छा लगता है, फैन सबके लिए ना, सबके लिए फैन है। तो अभी इस बीच बताइए कि गाना सबसे अच्छा चल रहा है, किसका चल रहा है, उसमें से कितना किसको पसंद कर रहे हैं? इस टाइम तो गाना तो भक्ति सॉन्ग में खेसारी लाल का ही बज रहा है, है ना, बहुत कई तरह सिंगर का भी। अभी आप भोजपुरी जगत में कैरियर बना रहे हैं और भोजपुरी जगत में गायकी भी कर रहे हैं, और इसलिए आपसे एक सवाल होगा, एक आम आदमी की तरह सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि जैसे कि खेसारी सुपरस्टार हैं कि पवन सिंह सबसे ज्यादा कौन चर्चित में रहता है? ऐसे तो मान लीजिए दोनों लोग चर्चित है, ये थोड़ी ना कहा जा सकता है कि कौन सी कौन बेस्ट है। नहीं, देखिए हम दोनों के फैन है, दोनों लोग के फैन है हम, बस। तो कोई अपने आप को पावर स्टार बोलता है तो कोई अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार बोलता है, तो उसमें जो नीलकमल सिंह है उनका जगह आप कहाँ देना चाहेंगे? अरे
वो भी दिल को छू देते हैं गाना जब गाते हैं तो यही तो बात है, सभी लोग यही कहते हैं गाने को उनका आता है जो दिल को छू देता है। तो आप उनका जगह कहाँ देंगे, क्योंकि दोनों लोग तो अपना अपना जगह छेक के बैठे हैं, मैं पावर स्टार और एक ट्रेंडिंग स्टार, तो फिर नीलकमल सिंह कहाँ गए? नहीं, कहाँ जगह दिया जाएगा? बहुत जगह उनका भी बहुत ऊंचा होना चाहिए, का बराबरी का दर्जा देना चाहिए। पवन सिंह खेसारी उसी में नीलकमल सिंह का भी दर्जा देना चाहिए ना जी। तो आप देखा अर्पित जी हैं और बेहतर बतियाते हैं, और इन्होंने बताया कि नीलकमल जी को भी खेसारी पवन सिंह का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि उनका भी गाना सभी के दिल में छू जाता है। तो फिलहाल उनका कहाँ स्थान होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। और भी जाते जाते इनसे कुछ सवाल करता हूँ कि आपके मम्मी पापा भाई बहन घर के जो फैमिली है वो क्या रिस्पांस है, क्या सपोर्ट मिलता है घर का? जी, सबका सपोर्ट है और सबके सपोर्ट से सभी लोग बोलते हैं गाना गाइए ना। सबके सपोर्ट बांटे, सब लोग चाहते हैं गाना गाइए और आगे जाइए, करियर उसी में बनाइए। कैसे विचार आया कि मतलब मुझे करना चाहिए गायकी? आप तो दुकानदारी पहले से भी कर रहे हैं, बिजनेस पहले से है, तो भाई गायकी कहाँ से दिमाग में आ गया कि मुझे गायकी करके यार कुछ अलग कर देना है, इतना कंपटीशन का जमाना है? अरे ये सब मन में कभी चलता है, क्या किया जाए। बहुत लोग तो रिले नहीं बनाते हैं, लोग अच्छे गाना खाली ढूंढते रहते हैं, इतने कंपटीशन में कैसे आप पार करेंगे इस मैया को? खुद हम पहले रील तक नहीं बनाते थे, जब आए गए तो रील क्या गाना गाने तो सोचे कि चलो भाई रील भी बनाते हैं, नहीं तो रील जब हम ही नहीं बनाएंगे तो दर्शक का बनाएंगे। तो रील सबसे ज्यादा किसका बनता है, किस हीरो का गाना बनता है, जैसे इस तरह का कुछ आपसे सवाल है और दर्शक भी जानेंगे कि देखा जाए किसका सबसे ज्यादा रील बनता है, किस हीरो का रील सबसे ज्यादा बनता है? जैसे पवन सिंह का भी, खेसारी लाल यादव का भी रील बहुत ज्यादा बनता है, और सैड सॉन्ग में मान लीजिए नीलकमल सिंह का गाना है, ज्यादा उन्हीं का रील बनता है। देख पा रहे होंगे कि ये गायकी लोगों का जबरदस्त है, इसलिए रील भी जबरदस्त तरीके से बनाया जाता है। और अर्पित जी का क्या कहना था, क्या सोच थी, क्या प्लानिंग थी, आप लोग जान चुके होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा और दो चार लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जैसे अर्पित जी हैं, इनकी गायकी को भी लोग जाके सर्च करें और सुने, ताकि ये और आगे जाकर आप लोगों के बीच में नाम कमाएं और बेहतर से बेहतर गाना देने का काम करें। धन्यवाद, नमस्कार।